हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। तो कल हमने इसमें से शुद्ध लेखन पढ़ा था, ठीक है? तो आज ये हम पूरा पाठ समझेंगे। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। केरलवासी इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ओणम क्या है? वहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो प्रमुख त्यौहार है, और लोग क्या है, इसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। चारों ओर रंग बिरंगी फूले खिले होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति भी ओणम का स्वागत कर रही है। तो चारों ओर क्या होता है, फूल होते हैं, और उसे देखकर लगता है जैसे कि प्रकृति भी उसका स्वागत कर रही है। यह त्यौहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, यानी अगस्त और सितंबर में। इस त्यौहार को हम क्या कहते हैं, दूसरा तिरुओणम भी कहते हैं। इस त्यौहार का दूसरा नाम है तिरुओणम। इस समय केरल का मौसम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सभी जगहों पर फूल खिले होते हैं और खुशनुमा होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। तो ये त्यौहार का मुख्य क्या है, लोग इसे मनाते हैं क्यों? क्योंकि वह फसल पकने की खुशी होती है, उसमें नया उमंग, नई आशा और विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा करते हैं। तो वो क्या, फसल पकता है किसके लिए, सावन के देवता। सावन आएगा तो ही फूल, और सावन आता है तो ही फसल पकती है। तो इसलिए वो लोग पहले क्या करते हैं, सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ सब फूलों से ही होता है। कहा जाता है कि राजा महाबली केरल के राजा थे। वो कौन थे, वहाँ के राजा थे, बहुत पुराने। वे बहुत पराक्रमी और दानवीर थे, वो सबको दान, अपने जो गरीब लोग बसते थे उसको भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, मतलब वह बहुत सुखी थी, यानी अब कोई भी ज़रूरतमंद को चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो राजा देते थे। कोई भी कभी भी निराश नहीं होता था। इस दिन वे साल में एक बार धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते थे। तो क्या है, ओणम के दिन जब फसल पकती थी तो एक साल में वह एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते थे। उनके सम्मान में ओणम बनाया जाता था। तो यह ओणम किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, और राजा अपनी प्रजा को मिलने आते हैं एक साल में, इसलिए ओणम मनाया जाता है। इस दिन हर घर में रंग बिरंगी फूलों से रंगोली सजाई जाती है। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर पे कि कैसे अपना घर पूरा और रंगोली सजाई गई है। यह त्यौहार 10 दिन तक चलता है। सबसे बड़ी रंगोली पुलकम की सुंदरता तो देखने ही बनती है, तो उसे पुलकम की सुंदरता तो देखनी होती है। तो ओणम का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है, राजा महाबली अपनी प्रजा को एक बार साल में मिलने आते हैं जब फसल पकती है, तब उसके सम्मान में ओणम मनाया जाता है। और उधर सबसे बड़ी रंगोली कौन सी है, पुक्कलम, वह सबसे बड़ी रंगोली होती है। और दूसरा कि ओणम के त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौन सा है, ओणम के त्यौहार का मुख्य आकर्षण है नौकादौड़ प्रतियोगिता। वहाँ कई सारे शहरों से, गांवों से लोग आते हैं सिर्फ वो देखने के लिए, और कई लोग तो स्पर्धा में भाग लेने के लिए भी आते हैं। तो यह ओणम का मुख्य आकर्षण है, ठीक है? तो ये हमने पूरा पाठ का रिवीजन कर लिया है। वैसे तो हमने सारा सिलेबस रिवीजन कर लिया है, ये दूसरी बार था रिवीजन। अब हमारा कोर्स पूरा ख़त्म हो गया है, और सिलेबस रिवीजन सारी की सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं।
ठीक है? तो आप ये सारे श्रुति लेखन और ये सारी चीज़ें अपनी तरह से फेयरबुक में लिख लेना, ठीक है? और ये आपकी एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आप ये सब लिखना, जिससे कि आपकी हिंदी अच्छी होगी, ठीक है? थैंक यू बच्चों।